तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है पप्पू। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दोस्तों को सीखो। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपका यूट्यूब चैनल है दोस्तों, अगर वीडियो आपका वायरल नहीं हो रहा है, वीडियो में व्यू कम आ रहा है, ठीक है, तो आप गूगल एड्स का मदद से अपने वीडियो को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा खासा व्यू भी आ जाएगा आपका और आपका जो सब्सक्राइबर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया दोस्तों, गूगल एड्स में अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और इसको वीडियो अपने यूट्यूब का वीडियो को पब्लिक कैसे करते हैं, ठीक है, प्रोमोट कैसे करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखना दोस्तों, मैंने आपको सिखाया है गूगल एड्स में अकाउंट क्रिएट कर। और दोस्तों गूगल एड्स में एक ऑफर चल रहा है, अगर आप 100 रुपये से लेकर 200 रुपये स्पिन करते हो गूगल एड्स में, तो आपको 2000 रुपये क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है, कैशबैक मिलता है, बहुत अच्छा है। तो अगर आप 2000 रुपये का एड्स लगाते हैं अपने वीडियो पर, तो 2000 रुपये बैक मिल जाता है। ठीक है, चलिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो को जरूर देखना दोस्तों, थैंक। सो फ्रेंड, मैं अभी कंप्यूटर के स्क्रीन में आ गया हूँ। अगर आपका पास कंप्यूटर नहीं है तो आप मोबाइल में भी कर सकते हो क्रोम ब्राउज़र ओपन करके। ठीक है, सबसे पहले गूगल ओपन करने के बाद गूगल एड्स लिखिए आप वहाँ पर। लिखने के बाद आप नीचे स्लाइड शो में जाइए, जाने के बाद यहाँ पर एक वेबसाइट मिला गेट मोर कस्टमर विथ, ठीक है, वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप दो ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन है, एक गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है। तो अगर आप न्यू यूजर है दोस्तों, अगर आपको पहले अकाउंट नहीं है गूगल एड्स पर, तो आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हो बाय गेट स्टार्ट में। आपको ईमेल आईडी मांगेगा, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देना होगा। ठीक है, आप कौन ईमेल आईडी देना होगा दोस्तों, आपको जो यूट्यूब का चैनल का ईमेल आईडी वही ईमेल आईडी देना होगा। देने के बाद यहाँ पर आपको साइन इन करना होगा। चले, साइन इन करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें आने के बाद सबसे पहले आपको ऐड मनी करना होगा। ठीक है, यहाँ पर ऐड मनी का ऑप्शन कहाँ में मिलेगा, आप ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पर जो टूल्स एंड सेटिंग का ऑप्शन है इसको आपको ओके करना होगा। ठीक है, ओके करने के बाद यहाँ पर बिलिंग का जो ऑप्शन है, बिलिंग में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सामरी में आ जाइए। तो फ्रेंड, यहाँ पर एक ही फैसिलिटी क्या है दोस्तों, आप यहाँ पर 500 रुपये से लेके 2000 रुपये आप यहाँ पर ऐड मनी करते हो तो इसको रिफंड मिल जाता है आपका कैशबैक। ठीक है, पूरा कैशबैक मिल जाता है। यहाँ पर आप शो हो रहा है यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर 119 रुपये हमारा अभी है यहाँ पर गूगल एड्स में। तो यहाँ पर और एक प्रोमो कोड का जो ऑप्शन वहाँ पर नीचे देख सकते हैं, 3637 रुपीज़ है। तो मैंने यहाँ पर 1500 रुपये स्पिन किया था, ठीक है, तो मुझे 1500 रुपये कैशबैक मिल गया था। तो यहाँ पर हम नीचे देख सकते हैं, मैं 1500 रुपये मैं डिपॉजिट किया था यहाँ पर, लेकिन 1500 का फिर मुझे कैशबैक मिल गया। तो सबसे पहले ऐड फंड में आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर पेटीएम का भी ऑप्शन है, पेटीएम वॉलेट का भी ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, मनी ट्रांसफ़र है, ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन है, ऐसे आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, ऐड फंड पेमेंट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको चैंपियन क्रिएट करना होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना होगा। और यहाँ पर जो आपको कैशबैक मिलता है दोस्तों, आप जितना भी स्पिन करोगी 100 रुपये से लेकर 2000 तक, तो उसको कैशबैक मिलता है। यहाँ पर आप प्रोमो कोड देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आपको 2000 रुपये कैशबैक मिल जाता है। ठीक है, आप मुझे देख सकते हो, यहाँ पर 1500 रुपये मैंने स्पिन किया था, मुझे 1500 का GST काट के, सब कुछ टैक्स काट के यहाँ पर हमारा 1157 रुपये मिल गया था मुझे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको चैंपियन कैसे क्रिएट करना होगा, चलिए इसके, चलिए अभी मैं आपको एक वीडियो पब्लिश करके दिखाता हूँ, प्रमोट करके दिखाता हूँ कि गूगल एड्स में अपने वीडियो को, यूट्यूब वीडियो को प्रमोट कैसे करते हैं, एड्स कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू चैंपियन का जो ऑप्शन है, यहाँ के आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों अगर आप नए यूट्यूबर है, आपका वीडियो पर व्यू नहीं आ रहा है, तो आप गूगल एड्स का मदद से अपने वीडियो को आप प्रमोट कर सकते हो, व्यू आ सकते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा है दोस्तों, आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों गूगल एड्स बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हैं क्रिएट ए चैंपियन विदाउट गोल का जो ऑप्शन है, इसको क्लिक करना हो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप वीडियो का ऑप्शन है, वीडियो में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे स्लाइड शो कीजिए। करने के बाद यहाँ पर जो कंटिन्यू का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद ऐसे एक इंटरफेस आएगा, पेज आएगा, ओपन होएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चैंपियन नेम, चैंपियन नेम आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो चैंपियन नेम क्या लिखना होगा दोस्तों, जो सा वीडियो आप प्रमोट करना चाहते हो तो उस वीडियो का टाइटल लिख देना है यहाँ पर। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा वीडियो मुझे प्रमोट करना है और यहाँ पर टाइटल क्या लिखना है, मुझे ये वीडियो प्रमोट करना है। ठीक है, यूट्यूब 1000 व्यू कितना पैसा देता है, तो आप यहाँ पर सीधा सा लिख दीजिए, यूट्यूब 1000 व्यू लिख दीजिए। उसके बाद आ गया दोस्तों नीचे एक कैटेगरी है, ठीक है, यहाँ पर आप मैक्सिमम
सीपीवी देख सकते हो, और एक ऑप्शन है दोस्तों ठीक है यहाँ पर मैक्सिमम सीपी मतलब कॉस्ट पर व्यू ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट पर व्यू का एक ऑप्शन है और एक है इम्प्रेशन का ऑप्शन है ठीक है। तो आप यहाँ पर टारगेट सीपीएम देख सकते हो, दो ऑप्शन है। तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा दोस्तों मैक्सिमम कॉस्ट पर व्यू में क्लिक करना होगा ठीक है। सीपीवी आपको सेलेक्ट करना होगा, मतलब आपका व्यू आएगा वीडियो पर तभी आपको पैसा देना पड़ेगा ठीक है। तो उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चैम्पियन टोटल देख सकते हैं, बजट आप डेली बजट कर सकते हो एक वीडियो पर या टोटल बजट कर सकते हो ठीक है। अगर डेली बजट करना तो डेली यहाँ पर लिख देना, लिखने के बाद यहाँ पर 100-200 जितना भी बजट करना है आपका डेली 100 रुपये करके कट जाएगा। अगर टोटल बजट करना है तो टोटल ही सिलेक्ट कीजिए और टोटल यहाँ पर अमाउंट दे दीजिए। सबसे पहला आप टोटल ही सिलेक्ट कीजिए ठीक है, टोटल बेस्ट है। तो टोटल सेलेक्ट करके अमाउंट दे देना ठीक है। चलिए मैं 300 रुपये का अमाउंट दिया हूँ, तो 300 रुपये मेरा एक वीडियो का जितना भी 300 रुपये का व्यू आएगा वो आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट कर देख सकते हो कितना तारीख से आपको स्टार्ट करना है वीडियो को मैं ऐड आने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो असल आज का तारीख ही मैं दिया हूँ, तो 25 तारीख तक मेरा एंड हो जाएगा ठीक है। आज से लेकर 25 तारीख के अंदर 300 रुपये का मेरा जितना भी व्यू है आ जाएगा वीडियो पर। तो यहाँ पर लोकेशन देख सकते हो, नेटवर्क का जो ऑप्शन है दोस्तों नेटवर्क में वहाँ पर क्लिक कीजिए, क्लिक कर तीनों का इनेबल कर देना ठीक है। तो लोकेशन में आ जाए, लोकेशन में तीन लोकेशन दिया है ठीक है, एक है ऑल कंट्री, एक है इंडिया, एक है आदर्श ठीक है। तो अगर इंडिया में सेलेक्ट करते हो तो इंडिया में आपका व्यू आएगा, अगर इंटर एनाथोन लोकेशन सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर अपना आपका मर्जी से लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए मुझे बांग्लादेश सेलेक्ट करना है, तो सिर्फ मेरा ये वीडियो बांग्लादेश में चलेगा ठीक है, उन कंट्री में नहीं चलेगा, आदर्श कंट्री में। तो सबसे पहले आप अगर न्यू यूजर है तो ऑल कंट्री सेलेक्ट कीजिए ठीक है, ऑल कंट्री बेस्ट है। उसके बाद आ गया दोस्तों नीचे लैंग्वेज का ऑप्शन है ठीक है। आप यहाँ पर लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज का वीडियो है, मेरा हिंदी लैंग्वेज का है तो चलिए मैं हिंदी सेलेक्ट कर देता हूँ। चलिए नीचे आ जाए, इसके बाद नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो सेलेक्ट किया है स्टैंडर्ड, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड ही सेलेक्ट करना होगा ठीक है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिया है दोस्तों, तो इस ऑप्शन में आपको क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद ऐड ग्रुप का जो नाम का ऑप्शन है यहाँ पे ग्रुप का नाम लिख दीजिए ठीक है, मतलब ग्रुप का नाम लिख दीजिए जो कौन टॉपिक का आपका वीडियो हो। तो चलिए मैं यूट्यूब व्यू का वीडियो है तो यूट्यूब व्यू लिख देता हूँ, आपका जो टॉपिक करेगा आप दे देना। डेमोग्राफी में देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर एज दिया है ठीक है, जेंडर दिया है, तो बहुत सारा ऑप्शन है। तो मतलब आपका जो वीडियो है आपको कौन एज में आपको शो करना है ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारा एज है और जेंडर भी है, मेल है फीमेल अननोन है। तो अननोन को आपको टिक चिन्हों को हटा देना होगा, मेल एंड फीमेल रखना और यहाँ पर एज सेलेक्ट कर देना आपको जो एज में वीडियो देखना है ठीक है। तो मेरा जो वीडियो है दोस्तों छोटा बच्चा से लेकर बड़ा 65+ भी देख सकते हैं ठीक है, इसलिए मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद नीचे ऑडियंस में आ जाइए, ऑडियंस में आने के बाद आपका जो सा ऑडियंस मांगते हो यहाँ पर सर्च कीजिए। चलिए मेरा टेक्नोलॉजी का वीडियो है तो मैंने टेक्नोलॉजी में सर्च किया ठीक है, आपका जो सा टॉपिक करेगा आप उससे सर्च कीजिए, टेक्नोलॉजी में क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद नीचे स्लाइड शो कीजिए, नीचे यहाँ पर कीवर्ड का जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर कीवर्ड में आपको क्लिक करना होगा ठीक है। आपका जो भी टॉपिक का वीडियो है उस रिलेटिव का आपको कीवर्ड देना होगा यहाँ पर ठीक है, कम से कम आपको 10-15 कीवर्ड देना होगा। तो चलिए मैं एक कीवर्ड, मेरा टॉपिक है दोस्तों यूट्यूब 1000 व्यू का कितना पैसा देता है ठीक है। आपका जो भी टॉपिक का वीडियो रहेगा उस रिलेटिव का आपको यहाँ पर कीवर्ड देना पड़ेगा ठीक है। चलिए जल्दी से मैं कीवर्ड दे देता हूँ, कीवर्ड देने के बाद दोस्तों कम से 10-15 बार कीवर्ड देना होगा आपको ठीक है। कीवर्ड देने के बाद यहाँ पर इंप्रेशन शो होगा राइट साइड में 6.8 मिलियन, मतलब आपको आपका वीडियो 6.8 मिलियन यहाँ पर आपका सर्च आएगा ठीक है, इंप्रेशन देगा यूट्यूब। यहाँ पर आप टॉपिक सर्च कर सकते हो ठीक है, आपका कौन सा टॉपिक का वीडियो है यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा ठीक है। चलिए मेरा टेक रिलेटिव का है तो मैं टेक रिलेटिव का कैटेगरी सिलेक्ट किया ठीक है, टेक्नोलॉजी न्यूज आपका जो भी कैटेगरी का रहेगा यहाँ पर सिलेक्ट कर देना। उसके बाद नीचे आ गया दोस्तों यहाँ पर योर यूट्यूब वीडियो ठीक है, आपको कौन वीडियो को आपको यूट्यूब में प्रमोट करना है गूगल एड्स में, तो आपको उसको कॉपी कर लेना होगा ठीक है। इसका लिंक को कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना।
यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिया दोस्तों, स्केबल स्ट्रीम एड और इनफीड वीडियो एड। इनफीड को आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते इनफीड वीडियो एड को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद मोबाइल में ऐसा शो होगा आपका, जो भी यूट्यूब में सर्च करेगा सबसे पहले आपका वीडियो शो होगा यहाँ पर, ठीक है। ऊपर में ये कंप्यूटर मोड में भी शो होगा ऊपर में, और आपका मोबाइल मोड में भी शो होगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे हेडलाइन का जो ऑप्शन होता है, हेडलाइन में आपको टाइटल देना होगा, आपको कौन सा टॉपिक का वीडियो है उसको टाइटल देना होगा। मेरा है दोस्तों यूट्यूब व्यू 1000 व्यू कितना पैसा देता है, चलिए मैं वो टॉपिक जल्दी से टाइटल यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर टाइटल देने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन का भी एक ऑप्शन है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिखना होगा आपका, ठीक है। आपका जो सा टॉपिक का वीडियो है वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख देना। डिस्क्रिप्शन में आप लिखने के बाद नीचे और एक डिस्क्रिप्शन वन का जो ऑप्शन है वहाँ पे भी आपको लिखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 35 वाट का ऊपर नहीं लिखना होगा, आपको 35 वाट का नीचे लिखना होगा, ठीक है। तो 35 वाट का ऊपर लिखने से आपका वहाँ पर रेड कलर का आ जाएगा, इसलिए 35 वाट का नीचे लिखिए। चलिए जल्दी से मैं इसको फिलअप कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन टू जो ऑप्शन है वहाँ पर भी आपको लिखना होगा, लिखने के बाद एड नाम्स का जो ऑप्शन है नीचे, ठीक है, वो उसमें कुछ लिखना नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो क्रिएट चैंपियन का जो ऑप्शन है दोस्तों इसको सेलेक्ट करना होगा। उसको सेलेक्ट करने से पहले सबसे आगे आपको मैक्सिमम सीपीबी बीट सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। बीट क्या होता है दोस्तों, एक व्यू का आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए मुझे 0.70 पैसा सेलेक्ट किया, लेकिन यूट्यूब बोल रहा है कि मैक्सिमम आपको 1.22 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो अप्लाई का ऑप्शन, एक नोटिफिकेशन आएगा तो अप्लाई कर देना उसको, ठीक है। जो ईडो का ऑप्शन आएगा ना इसके नीचे अप्लाई कर देना। यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर अपना जो इसका जितना बजट लेगा इसका व्यू कितना आएगा, टोटल व्यू आप देख सकते हो 530 से लेके 1.2 KB व्यू आएगा, इंप्रेशन कितना आएगा और एवरेज सीपी भी कितना रहेगा, 24 से लेके 79 पैसा एवरेज सीपी रहेगा, ठीक है। सब कुछ करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू क्रिएट कंटिन्यू कर देना, ठीक है। करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू टू चैंपियन को जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर देना। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों ऐसे एक पेज आएगा, यहाँ पर आप देख सकते स्टेटस एलिजिबिलिटी स्टेटस है, मैक्सिमम सीपीबी है 1.22 रुपीज़, ठीक है, मतलब 1 रुपया 22 पैसा। तो यहाँ पर आप अंडर रिव्यू अभी दिखाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक अंडर रिव्यू दिखा रहा है आप, ठीक है। मैक्सिमम 4 से लेकर 5 घंटा लगता है आपका वीडियो अप्रूव होने में, ठीक है। तो अप्रूव होने के बाद यहाँ पर आपका अप्रूव आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अंडर रिव्यू होने के बाद आपका जो अप्रूव हो जाएगा तो उसका जो बजट है बजट को आप कम बेस कर सकते हो, और जो आपने बीट सेलेक्ट किया है ना तो उस बीट को भी आप कमा सकते हो। जब आपका वीडियो में ऐड आना शुरू हो जाएगा व्यू आना, तब आप यहाँ पर सेलेक्ट करके इसका बीट कमा सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं बजट दिखा देता हूँ आपको। बजट का जो यहाँ पर 300 रुपये दिया है, आप यहाँ पर कमा भी सकते हो बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। देने के बाद यहाँ पर सेव कर देना। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंडिंग अंडर रिव्यू चला, मेरा जो वीडियो मैक्सिमम 4 से 5 घंटा लगे, और ऊपर देख सकते हो मैक्सिमम सीपीबी बीट मेरा 1 रुपया 22 पैसा एक व्यू का लगेगा। तो यहाँ पर जब आपका चालू हो जाएगा यहाँ पर उसको कमा के सेव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रथम स्टार्टिंग में आपको जितना यूट्यूब बोला उतना ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप बीट को कमा सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने यूट्यूबर है तो सबसे पहले आप गूगल एड्स में अकाउंट बनाइए, अपने वीडियो को पब्लिश कीजिए वहाँ पर, ठीक है, प्रमोट कीजिए, ग्रो कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो देखने के लिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब मोर अपडेट।